अब आपके और खाने के बीच में सिर्फ मैं हूँ, तो बस सिर्फ 5 मिनट आपकी तवज्जो चाहते हैं। पहली बहुत बुनियादी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आज सलमान साहब ने मतलब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, वो NRC के जो मुकदमे 2013 से हम कर रहे हैं और उसमें औरतें डिपोर्ट होती हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, वो मुकदमे जाने कितने हमने किए हैं, जो वो लोग हमारी कोई फीस देने का क्या सवाल, कुछ थोड़ी सी दे सकते हैं, वो सलमान साहब की क्या देंगे। जाने कितने मुकदमे सलमान साहब ने किए हैं, मुझे याद ही नहीं है कि कितने किए हैं इन्होंने 10 साल में पिछले। जो बच्चों का जो ये कह रहे हैं कि जिसमें इनका नाम आ गया 59 FIR में, इनके घर से रोज़ 200 प्याली चाय बन के जाती थी रात में 12 बजे 11 बजे, और ये रोज़ उस प्रोटेस्ट में जाते थे जो जामिया के ऊपर था, तो इनका नाम उसमें आ रहा है FIR में। इनके साथ जो वक्त गुजरा है, जो सिर्फ एक शख्स कहा जाए, जिसका मैं अपने साथी तजुर्बे से बता रहा हूँ कि उसका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आपने सर ने कहा ये बात, और अब चूंकि बात तो सब ख़त्म हो गई है और मैं तो बिल्कुल ये कहा जाए कि छोटा मुंह बड़ी बात, क्योंकि सारे बुजुर्ग हमारे बोल चुके हैं, तो मैं 2-3 बातें बहुत जल्दी जल्दी से आपके सामने पेश कर दूँ। पहली बात तो ये कि ये जो शर्त लगाई गई खड़गांव में जो टूटे गए, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी शर्तें लगा दी कि सबकी बेलें होने के बावजूद उनकी किसी की रिहाइयाँ नहीं हो पा रही थी। फिर किसी ने, एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने उसके लिए एक क्राउड फंडिंग कोई चीज़ है वो शुरू की। वो कह रहे हैं कि उनका शायद उसके जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि वो 60-65 लाख रुपया शायद उसमें लग रहा था उन बेलों की मतलब बॉन्ड्स भरने में। उसमें ये उनको वो ये कह रहे थे कि वो पैसा शायद चंद घंटों में जमा हो गया उस क्राउड फंडिंग में। तो लोगों के दिलों में इतना दर्द है, जो दर्द यहाँ स्टेज में मौजूद लोग हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा आप लोगों में मौजूद है। हम तो सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहे हैं जोड़ने के लिए। तो वो पैसा इकट्ठा हुआ, फिर उसके बाद उससे उनकी जमानतें हुई। उसमें बड़े बड़े सुपर स्टार्स जिनका नाम है वो सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, और कितने लोगों ने उसमें नाम आप अपना शो कर सकते हैं, नाम नहीं शो कर सकते, कितने लोगों ने अपना नाम शो किया ये दिखाने के लिए कि हम इन मजलूमों के साथ हैं, वो जो घर टूटा था। अभी ये हमारे सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने बताया कि बम्बई में एक ग्लोबल केयर फाउंडेशन है, जो लोग जेलों में ऑलरेडी लॉज्ड हैं और उनके बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, लेकिन वो सिर्फ बेल के बॉन्ड्स और फॉर्मेलिटीज श्योरिटीज़ को नहीं भर पाते हैं, उनके लिए उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी है, और उन्होंने कितने लोगों के साथ ये किया है। जमीयत उलमा हिंद ने काफ़ी किए हैं मैटर्स, ये हम लोगों ने अभी कल ही की बात है, उर्दू टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट का मामला था, 2 दिन उसकी बहस चली, पूरा दिन ये बैठे रहे सलमान साहब, परसों भी और कल भी, उसका जो भी नतीजा हो, लेकिन ये जो कोशिश थी वो इतनी मुकम्मल थी। हर आदमी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हो या तमाम तरह हाई कोर्ट में हो, वो सब कोशिश कर रहा है, उसको जोड़ना एक इसकी इदारे की एक बहुत बड़ी फिक्र है। बुनियादी बात सिर्फ ये है कि जो हिंदू मुसलमान का एक रिश्ता इस मुल्क में है, उस पर एक ज़बरदस्त हमला है, उस रिश्ते को तोड़ने की ये सारे फॉर्मूले हैं। आप इसको इस बात में रख के देखिएगा तो आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। सिर्फ बात इतनी है कि हिंदू मुसलमान का 1100 साल का जो रिश्ता है वो टूट जाए। उसको टूटने के लिए हेट स्पीच है, लिंचिंग है, मीडिया है, उसके तमाम एक सैलाब है, मगर मकसद सिर्फ एक है, रिश्ता टूट जाए। हमारा क्या मकसद है? हमारा भी एक ही मकसद है कि रिश्ता जुड़ा रहे, और रिश्ता जुड़ा रहे, रिश्ता मजबूत हो, ये हमारा मकसद है। अब उस रिश्ते, हर रिश्ते की अपनी एक पायदारी है, उसमें हम इन सिविल राइट्स की बेदारी लाना चाहते हैं, ताकि हम खुद तो समझ सकें कि हम क्या चाहते हैं या रास्ता क्या है, हमें क्या मकसद है हमारा, हम कैसे इसको हासिल कर सकेंगे, इसके लिए ये कोशिश है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपको ताज्जुब होगा कि अदीब साहब यहाँ 3 दिन से आए हुए थे, यहाँ के ऊपर पहले से मौजूद थे, बाहर का सफ़र करके आए थे, और उसके बाद यहाँ पर मुस्तैद रहे। डॉक्टर असीज़ साहब का कितना मतलब उनकी जो जिस तरह की इस वक्त आप सब देख सकते हैं, उसके बावजूद एक और उनके साथ ये इशू था कि उनका आगे के हिस्से में कुछ वो जल गए थे, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। के रहमान खान साहब बेंगलोर से कल दिल्ली आए, उसके बाद रात में रुके, सुबह की फ़्लाइट से यहाँ आए, अभी वापस जाएंगे, फिर कल इनको बेंगलोर में एक जलसा अटेंड करना है, उसमें आएंगे। हमारे सिद्दीकी साहब हैदराबाद से आए हुए हमारे लोग,
और पाशा साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं कि कितनी कितनी एफर्ट्स के साथ यहाँ के ऊपर आए। और मैं ये बात कहता हूँ, एक एक शख्स जो यहाँ पे है वो बेहद कीमती है। सबसे अहम चीज़ जो है वो सोच है, उस सोच को पैदा करना, उस तक पहुँचना इसका मकसद भी है, उसी की हम सब कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सलमान साहब के कल भी मैटर्स थे, कल शाम तक के वो थे, आज सुबह आए, अभी ये गाड़ी से वापस जाएंगे, फिर कल दिल्ली जाएंगे, इनका भी बहुत शुक्रिया। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तवज्जो से सुना। अब सिर्फ एक काम आप वापस ले करके जाएंगे, पहली बुनियाद तो ये कि आप दिल में ये बात रख के ले जाएंगे कि हमारा मकसद रिश्ते को जोड़ना है, कायम रखना है। ये लड़ाई बिल्कुल हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लोग बिल्कुल हिंदू नहीं हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। ये तो कहा जाता है कि ये हिंदू मुसलमान है, ये एक सोच है, एक सड़क है जो बना मुसलमान है। इस सोच हम लोग अपना नंबर सारी डिटेल्स यहाँ दे के जाएंगे और उससे रब्ता हम सबका रहेगा।